नमस्ते मेरे प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका मेरी एक नई और चमचमाती वीडियो। आज मैं आप लोगों को अपने घर के दर्शन कराने वाला हूँ। अब तक तो तुम सभी लोग समझ गए होंगे कि मुझे कंटेंट की कमी हो रही है, तो टाइम का टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी लिफ्ट से। तो ये है हमारी लिफ्ट जिसका काम है ऊपर नीचे ले जाना। और ये लिफ्ट इतनी इरिटेटिंग है, पहले ये ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है, उसके बाद मेरी बारी आती है। और इस लिफ्ट की एक खास बात है, ये लोकल ट्रेन की तरह बिहेव करती है, पहले 10-15 मिनट वेट करेगी, उसके बाद ही मंजिल पे लेके जाएगी। और इस लिफ्ट की एक और खास बात है कि तुम्हें इसके बटनों को दबाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर लगी हुई है एक टच स्क्रीन। ओए भाई, मेरे को 14 फ्लोर पे नहीं जाना, वो तो बस वीडियो के लिए दबा दिया था। और ये है मेरी प्यारी लॉबी। रात को इधर आने से मेरी बहुत ज्यादा फटती है। माना जाता है कि रोज रात 3 बजते ही भांग के नशे में धोते एक चुड़ैल यहाँ पे नंगा नाच करती है। और ये है मेरे प्यारे पड़ोसी। जब भी मैं बोर हो रहा होता हूँ, मैं इनके घर जाता हूँ और Run. तो ये है वो चीज जिसमें मैं अपने घर की जूते चप्पलें रखता हूँ। और इसके ऊपर ठीक 70 साल पुरानी माजा की बोतल है। मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें ये कबर्ड के अंदर का नजारा नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस डब्बे के अंदर बहुत सारी मकड़ियों का घर बस रखा है। मैं नहीं चाहता कि कोई उनकी प्राइवेसी भंग कर दे। और ये है मेरा प्यारा हॉल जिधर मैं पूरा दिन बैठ के विश्राम करता हूँ। और ये है मेरा प्यारा मंदिर। मैं वैसे पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन जब भी मेरे व्यूज कम आते हैं तो हे भगवान, आपने इस धरती पे इतने सारे लोगों को जन्म दिया है, लेकिन फिर भी उनमें से कोई मेरी वीडियो क्यों नहीं देखता? आप उन लोग के साथ इतना गलत क्यों कर रहे हो? प्लीज उन लोग की किस्मत खोलो और मेरी वीडियो उनको सजेस्ट करवाओ। धन्यवाद। तो ये है मेरा प्यारा एयर कंडीशनर / हवा फेंकू उपकरण। जब से ये मेरे घर आया है, मेरा घर एंटार्क्टिका बन चुका है। बस एक दो पेंगुइन की और कमी है, उसके बाद मैं अपने घर को टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दूंगा। आप चाहें तो इस एयर कंडीशनर को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, जैसे AC, MC, BC आदि। कभी कभार जब ये AC कुछ ज्यादा ही ठंडा हो जाता है तो इसको गर्म करने की भी जरूरत पड़ती है। तो ये है मेरा वातावरण को गर्म करने वाला उपकरण। अब देखो, जैसे ही सर्दी आती है तो मैं इसको अंदर रूम में रख लेता हूँ और AC को बालकनी में। कबूतर, ये पक्का हगने आया है, भाग यहाँ से। अरे फिर दोबारा ये लोग मेकआउट करने आ गए? ये दोनों रोज मेरे को अपने सिंगल पने का एहसास दिलाने आ जाते हैं। अक्षय कुमार ने सर पे चढ़ा रखा है इनको। माफ कर देना, भागो हम पे, हम पे। और ये है मेरे सबसे दिल के करीब, मेरी प्यारी रिंग लाइट। इसके चालू होते ही मेरा चेहरा गद्दी गुद्दम अति उत्तम लगता है। लाइट कौन ऑफ किया बे? फिलहाल तो अब इस रिंग लाइट का काम बस कपड़े सुखाने का रह गया है। और ये है मेरा 100 स्क्वायर फीट में फैला हुआ किचन। इस किचन में मैं बस मैगी बनाने आता हूँ। हाँ बस किचन है और क्या, क्या देखना है तुमको इसमें? और ये है मेरा संडास जिधर मैं आके, खैर छोड़ो, तुम लोग को तो सब कुछ मालूम है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं मास्टरबेशन की बात नहीं कर रहा। और ये है वो चीज जिससे मैं धोता हूँ, गाड़ियाँ। हाँ सही सुना तुमने, क्योंकि इसका प्रेशर इतना तेज है ना कि कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये गाड़ी धोने के लिए या फिर पिछवाड़ा। इसके ऊपर किसी को बिठा के इसको चालू किया ना, सीधा उसको स्पेस में पहुंचा देगा। ओके, तो ये है मेरा स्टोरेज रूम जिधर मैंने पानी के लिए रख रखा है ये, क्या बोलते हैं इसको। ओके, तो पानी के बाजू में है अपनी खिड़की और उसके ऊपर लगी हुई है जाली जिसमें कबूतरों ने गुद्दम गुद्दी किया है। एक तो मुझे ये नहीं पता कि ये कबूतरों को इन जालियों से क्या ऑब्जेक्शन है। साले रोज कबड्डी तो खेल जाते हैं, लेकिन साफ सफाई तो मुझे करनी पड़ती है। ओके, तो ये है वो आफत की पुड़िया जिसने पैदा होने से लेके अभी तक मेरी जिंदगी झंड कर रखी है। ये सोते हुए तो प्यारी लग रही है, लेकिन जब ये जगती है ना तब कुछ ऐसा करती है। ऐसी जिंदगी ना झंड कर रखी है। तो आई होप यार तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाई है क्योंकि मेरी घर की शिफ्टिंग चल रही थी, ठीक है। और ये वीडियो इतनी छोटी इसलिए है क्योंकि मेरा घर कोई ताजमहल नहीं है जो मैं घंटों भर की वीडियो बना के डाल दूं। 4 मिनट जितना ही घर है डाल दिया, बस खुश रहो। That's it for today guys। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोग को अगली वीडियो में। तब तक के लिए
पीस आउट।